हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो ये वीडियो सेपोए फार्मा एग्ज़ाम प्रेपरेशन के रिगार्डिंग है, जिसमें मैं आज फार्माकोग्नोसी के सभी इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में मैं टोटल 80 MCQ फार्माकोग्नोसी के डिस्कस करूँगा, जो कि डिफरेंट ऑल ओवर इंडिया फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो इससे पहले फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, कम्युनिटी फार्मेसी, ह्यूमन एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी एंड फार्माकोलॉजी, तो इन सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी इस सीरीज़ के डिस्कस कर चुका हूं। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी जा कर के देख सकता है, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगा। एंड इस वीडियो में मैं फार्माकोग्नोसी के सभी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। फिर इसके बाद फार्मास्यूटिक्स एंड ड्रग स्टोर एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये दो सब्जेक्ट के ऊपर MCQ क्वेश्चंस रह जाएंगे। वो मैं कल एंड परसों दोनों सब्जेक्ट पे क्वेश्चंस की वीडियो आ जाएगी। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट के सभी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है यूजिनॉल इज़ प्रजेंट इन, तो यूजिनॉल किसका इम्पॉर्टेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट है? तो यूजिनॉल तुलसी में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ वार्वेलोइन प्रेजेंट इन एलोवेरा इज, तो एलोवेरा का एक इम्पॉर्टेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वार्वेलोइन, तो इसमें इसका जो अमाउंट होता है एलोवेरा में वो 3.5 to 4% वार्वेलोइन प्रेजेंट होता है एलोवेरा में। द नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइटर्पिनोइड्स आर एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ, तो ट्राइटर्पिनोइड्स जो हैं वो किसमें प्रेजेंट होते हैं? तो ये ब्रह्मी में प्रेजेंट होते हैं ट्राइटर्पिनोइड्स। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक केमिकल टेस्ट टू आइडेंटिफाई एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड्स इन अलोइज, तो इनमें से कौन सा एक अलोइज जो कि एक एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए केमिकल टेस्ट है? अगर बेसिकली एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड की बात करें तो उसमें हम मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट, बेसिकली ये अलोइज में सी ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं, तो सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट जो है आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड बोन ट्रैगर टेस्ट जो है वो ओ ग्लाइकोसाइड्स के लिए अप्लाई होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग कंटेनिंग सेपोनिन ग्लाइकोसाइड एज मेजर कंस्टिट्यूएंट, तो इनमें से कौन सा ड्रग जिसमें सेपोनिन ग्लाइकोसाइड एक मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है? तो वो ड्रग है ब्रह्मी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट इन नक्स बॉमिका इज, तो नक्स बॉमिका में स्ट्रिक्निन ग्लाइकोसाइड जो है वो प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट आर यूज टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, तो किस टाइप के एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट यूज किया जाता है? तो ये सी ग्लाइकोसाइड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एंड ओ के लिए सिंपल बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्रूड ड्रग यूज्ड एज कार्डियोटॉनिक इज, तो कार्डियोटॉनिक जो है वो हमारा धतूरा एक कार्डियोटॉनिक ड्रग की तरह यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर ऑफ डिजिटैलिस लीव्स इज, तो डिजिटैलिस लीव्स का कलर कैसा होता है? तो इसका डार्क ग्रेइश ग्रीन कलर होता है डिजिटैलिस लीव्स का। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नटमेग ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो नटमेग ड्रग मेल एंड फीमेल प्लांट्स नटमेग दोनों ही होते हैं, लेकिन जो नटमेग ड्रग है वो ड्रग फीमेल प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इथेरियल एक्सट्रैक्ट ऑफ अर्जुना वार्क गिव्स डैश कलर फ्लोरोसेंस, तो अर्जुना वार्क का इथेरियल एक्सट्रैक्ट जो है वो किस कलर की फ्लोरोसेंस देता है? तो ये पिंक कलर की फ्लोरोसेंस इसमें देखने को मिलती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल बिहेवियर ऑफ मॉर्फिन अल्कलॉइड इज, तो जो मॉर्फिन का केमिकल बिहेवियर है वो बेसिक होता है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डैश इज अ कार्डियोग्लाइकोसाइड कंटेनिंग क्रू ड्रग बिलोंगिंग फैमिली। तो इनमें से कौन सा कार्डियोग्लाइकोसाइड है जो कि एपोसाइनेसी फैमिली को बिलोंग करता है? तो ये है स्ट्रोफेंथस, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डिजिटैलिस भी एक कार्डियोग्लाइकोसाइड है लेकिन वो स्क्रोफुलरियासी फैमिली को बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोर्स ऑफ अलेक्जेंड्रियन सेना इज। तो अलेक्जेंड्रियन सेना का सोर्स है कैशिया एक्यूटीफोलिया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कैशिया एंगस्टिफोलिया इंडियन सेना का सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स एक्ट्स ऑन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पे एक्ट करने वाला जो ड्रग है वो है रिसर्पिन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉ वॉल्फिया अल्कलॉइड्स आर यूज। तो रॉ वॉल्फिया अल्कलॉइड्स का बेसिकली यूज़ क्या है? तो रॉ वॉल्फिया अल्कलॉइड्स हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्यूरिन अल्कलॉइड। इनमें से कौन सा एक प्यूरिन अल्कलॉइड है? तो कैफीन एक प्यूरिन अल्कलॉइड है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डियोग्लाइकोसाइड इज। तो कार्डियोग्लाइकोसाइड किस में प्रेजेंट होता है? तो कार्डियोग्लाइकोसाइड डिजिटैलिस में प्रेजेंट होता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लांट विच शोज हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट ड्यू टू इनडायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन बाय पेनक्रियाज इज। तो किस प्लांट का हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट होता है, मीन्स डायबिटीज़ में कौन सा यूज़ किया जाता है? तो जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे जो है वो हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट शो करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलानिन विच पजेस एंटीफिडेंट एक्टिविटी इज अ फाइटो कंस्टिट्यूएंट ऑफ नीम, द पार्ट ऑफ दिस प्लांट कंटेन्स दिस कंस्टिट्यूएंट इज। तो सेलानिन एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट है जिसकी एंटीफिडेंट एक्टिविटी है जो कि एक नीम का कंस्टिट्यूएंट है। तो ये किस प्लांट पार्ट से ऑब्टेन किया जाता है? तो ये लीफ से ऑब्टेन किया जाता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ फ्लोवाफीन विच इज प्रेजेंट इन प्टीरोकार्पस मार्सुपियम इज कॉल्ड। प्टीरोकार्पस मार्सुपियम में प्रेजेंट एक फ्लोवाफीन को क्या कहा जाता है? तो ये है काइनोइन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूकोराइस, इपेका क्वान्हा एंड बसाका पजेस सिमिलर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट टू दैट ऑफ। तो ल्यूकोराइस, इपेका क्वान्हा एंड बसाका इन तीनों में कौन सा कॉमन जो है वो एक फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, ये कॉमन यूज़ क्या है? तो ये तीनों ही एज एन एक्सपेक्टोरेंट यूज़ किए जाते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटैलिस लीव्स आर कमर्शियली अडल्ट्रेटेड बाय। तो डिजिटैलिस लीव्स को कमर्शियली किससे अडल्ट्रेट किया जाता है? तो कॉम्फ्रे लीव्स एक टाइप का अडल्ट्रेशन है डिजिटैलिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है The glandular trichome which contains active phytoconstituents of the plant is। तो ऐसे ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स जो जिनमें एक्टिव फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो प्लांट है कैनाबिस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसी बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ। तो तुलसी की फैमिली क्या है? तो तुलसी लेविएटे फैमिली को बिलोंग करती है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिटेल्ड स्टडी ऑन डिजिटैलिस वाज कैरिड आउट बाय द साइंटिस्ट। तो डिजिटैलिस के ऊपर डिटेल्ड स्टडी किस साइंटिस्ट ने की थी? तो ये की थी विलियम विदरिंग ने, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ व्हेल फ्रूट इज। तो व्हेल फ्रूट का marmelosin. Option A is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली यूज एज डायूरेटिक. तो इनमें से कौन सा एक डायूरेटिक की तरह यूज किया जाता है. तो ये है गोखरू. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है सिट्राल इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ. तो सिट्राल मेजर कंस्टिट्यूएंट है लेमन ग्रास ऑयल का. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओलियोगम रेजिन. तो इनमें से ओलियोगम रेजिन का एग्जाम्पल कौन सा है. तो ये है मिर. मिर एक ओलियोगम रेजिन है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन शुगर पार्ट्स ऑफ द ग्लाइकोसाइड्स आर कॉल्ड. तो ग्लाइकोसाइड्स ग्लाइकोन एंड ए ग्लाइकोन पार्ट से मिलके बना होता है. तो जो ए ग्लाइकोन पार्ट है वो हमारा नॉन शुगर पार्ट होता है एंड ग्लाइकोन जो है वो शुगर पार्ट होता है एंड ये दोनों ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्लाइकोन पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल आर हेट्रोसाइक्लिक अल्कोलॉइड्स एक्सेप्ट. तो हेट्रोसाइक्लिक अल्कोलॉइड इनमें से कौन सा नहीं है. तो एफेड्रीन एक हेट्रोसाइक्लिक अल्कोलॉइड नहीं है क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन है वो रिंग में नहीं, रिंग की जो साइड चेन होती है उसमें प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉक्सिक प्रिंसिपल प्रेजेंट इन द कैस्टर सीड इज. तो कैस्टर सीड में कौन सा टॉक्सिक कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है. तो इसमें रिसिन एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है जो कि टॉक्सिक इन नेचर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन सेना ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट. तो इंडियन सेना कैशिया अंगस्टिफोलिया से ऑब्टेन होती है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज लिक्विड अल्कलॉइड. इनमें से कौन सा एक लिक्विड अल्कलॉइड है. तो निकोटिन एक लिक्विड अल्कलॉइड है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट इन द सिंकोना वार्क इज. तो सिंकोना वार्क में कौन सा ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है. तो इसमें किनोविन एक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है. किनोविन, बाकी क्यूनिडिन ये सारे अल्कलॉइड्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सब्सटीट्यूट ऑफ सिंकोना. तो सिंकोना का एक सब्सटीट्यूट इनमें से कौन सा है. तो रेमिजिया पेंडिकुलाटा एक सब्सटीट्यूट की तरह यूज किया जाता है सिंकोना के केस में. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीटॉकिक एक्टिविटी ऑफ द एर्गट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ. तो एर्गट की ऑक्सीटॉकिक प्रॉपर्टी किसकी प्रेजेंस की वजह से होती है. तो ये एर्गोमेट्रिन केमिकल कंस्टेंट होता है, इसकी प्रेजेंस की वजह से ऑक्सीटॉकिक एक्टिविटी होती है एर्गट की. नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनेमन इज मार्केटेड इन द फॉर्म ऑफ. सिनेमन को किस फॉर्म में मार्केट किया जाता है. तो इसे इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड क्विल्स की फॉर्म में इसे मार्केट किया जाता है, या तो क्विल्स की फॉर्म में या फिर स्टिक्स की फॉर्म में. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट स्टीरॉयड यूज्ड एज अ प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ कॉर्टिकोस्टीरॉयड. तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की सिंथेसिस के लिए कौन सा प्लांट स्टेरॉइड यूज़ किया जाता है. तो ये है डायोस्जेनिन जो कि डायस्कोरिया में प्रेजेंट होता है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविल्स डंग इज द सिनोनिम ऑफ. तो डेविल्स डंग किसका सिनोनिम है. तो एसाफोटिडा दैट इज हींग. हींग को डेविल्स डंग कहा जाता है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द क्लोव ऑयल. क्लोव ऑयल में मेजर केमिकल कंस्टिट्यूएंट कौन सा प्रेजेंट होता है. तो क्लोव ऑयल में यूजिनॉल मेजर केमिकल कंस्टिट्यूएंट है. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. तुलसी में भी मेजर जो है वो क्लोव ही होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बिटालिम ऑरेंट टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई. बिटालिम ऑरेंट टेस्ट एक केमिकल टेस्ट है जो कि ट्रोपेन अल्कलॉइड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नेचुरली अकरिंग कार्मिनेटिव इज, तो नेचुरली अकरिंग कार्मिनेटिव इनमें से कौन सा है? तो एसाफोइटिडा जो है वो एक नेचुरली अकरिंग कार्मिनेटिव है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रोपेन अल्कलॉइड्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, तो ट्रोपेन अल्कलॉइड्स को बिटाली टेस्ट या बिटाली मॉरेन टेस्ट से आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लांट ड्रग विच इज ऑक्सीटॉकिक इज, तो ऑक्सीटॉकिक प्लांट है एरगट, जिसमें एर्गोमेट्रिन जो है वो ऑक्सीटॉकिक इन नेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्फिन, कोडीन एंड थिवेन इज कंटेन्ड इन, तो मॉर्फिन, कोडीन, थिवेन ये तीनों ही किस प्लांट में प्रेजेंट होते हैं? तो ये ओपियम में प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिनॉल इज कंटेन्ड इन, तो यूजिनॉल क्लोव में प्रेजेंट होता है, तुलसी में भी प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रूड ड्रग विद द लैटिन नेम विदेनिया सोमनीफेरा इज, तो विदेनिया सोमनीफेरा होता है अश्वगंधा, जिसमें स्टीरोइडल केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन अमंग द फॉलोइंग इज अ वॉलेटाइल ऑयल कंटेनिंग क्रूड ड्रग, तो इनमें से एक जो है वो उसमें वॉलेटाइल ऑयल होता है, तो वो कौन सा है? तो वो ड्रग है कैडमम, इलायची जिसे बोलते हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलाडोना बिलोंग्स टू द फैमिली, तो वेलाडोना की फैमिली क्या है, किस फैमिली को बिलोंग करता है? तो ये सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करता है, एट्रोपा बेलाडोना, ऑप्शन ए सोलेनेसी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्टिव इंग्रेडिएंट दैट फॉर्म्स फ्रोथ व्हेन शेकन विद वाटर, तो ऐसा एक्टिव कंस्टिट्यूएंट जिसको वाटर के साथ शेक करने पे वो फॉर्म फ्रोथ फॉर्म कर देता है, तो वो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है सेपोनिन, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमेटिन इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ, तो एमेटिन किसका मेन इंग्रेडिएंट है? तो इपेकाक जो है उसमें मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट एमेटिन होता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी मलेरियल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, तो कौन सा ऐसा एंटी मलेरियल एजेंट है जो कि नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होता है? तो क्यूनिन एक नेचुरली ऑब्टेन्ड एंटी मलेरियल एजेंट है जो कि सिनकोना से ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरकुमिनोइड्स आर प्रेजेंट इन, तो कुरकुमिनोइड्स टर्मरिक हल्दी में प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एंड कुरकुमिनोइड्स दैट इज कुरक्यूमिन, इसकी वजह से येलो कलर आता है टर्मरिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज इज अ हाइपोटेंसिव ड्रग, तो हाइपोटेंसिव यानी कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कौन सा है? तो वो ड्रग है रोवोल्फिया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन वेलाडोना कंटेन्स अल्कोलॉइड, इंडियन वेलाडोना में कौन सा अल्कोलॉइड प्रेजेंट होता है? तो इसमें एट्रोपिन जो है वो प्रेजेंट होता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग विच डज नॉट बिलोंग टू फ्रूट क्लास, तो इनमें से कौन सा ड्रग फ्रूट क्लास को बिलोंग नहीं करता है, मीन्स फ्रूट से ऑब्टेन नहीं होता है? तो फेनल, कोरिएंडर एंड डिल ये तीनों ही वॉलेटाइल ऑयल्स ऑब्टेन होते हैं, इनमें से फ्रूट पार्ट से ऑब्टेन किए जाते हैं, लेकिन एरगेट जो है वो फ्रूट पार्ट से ऑब्टेन नहीं किया जाता है, ये फंगस एंड राई प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदातोड़ा बेसिका इज अंडर द केमिकल क्लास ऑफ विच अल्कलॉइड, अदातोड़ा बेसिका दैट इज वसाका, तो ये अल्कलॉइड्स की किस केमिकल क्लास में आता है? तो ये क्यूनाजोलिन क्लास में आता है, अदातोड़ा बेसिका यानी कि वसाका, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ इपेकाक इज, इपेकाक का फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है? तो इपेकाक एज एन एमेटिक यूज़ किया जाता है, Option B is the correct answer. Next question है, which one of the following plant is source of anti-cancer drug vinblastine? तो vinblastine सोर्स कौन सा प्लांट है? तो पेरीविंकल से ऑप्टेन होता है विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन, मेडागास्कर पेरीविंकल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय. तो फार्माकोग्नोसी टर्म पहली बार इंट्रोड्यूस की थी जॉन एडम सचमेट ने 1811 में. तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ रोवोल्फिया विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूज्ड एज मेडिसिन? तो रोवोल्फिया का कौन सा प्लांट पार्ट जो है वो मेडिसिन की तरह यूज़ किया जाता है? तो इसमें रूट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं एज अ मेडिसिन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसबगुला एंड स्टरकुलिया प्रेस्क्राइब्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन एक्ट्स एज. तो ये दोनों ही इसबगुला एंड स्टरकुलिया गम, ये दोनों ही कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट में प्रेस्क्राइब किए जाते हैं. तो ये किस तरह एक्ट करते हैं? तो ये एज अ बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव की तरह काम करते हैं. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्वा इज. तो अस्वा किस टाइप की आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म है? तो अस्वा जो है वो एक लिक्विड टाइप की आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोकोट्राइन अलोएज आर कल्टिवेटेड फ्रॉम विच स्पीसीज? सोकोट्राइन अलोएज किस स्पीसीज से कल्टिवेट किए जाते हैं? तो ये अलोए पेरेई से कल्टिवेट किए जाते हैं, सोकोट्राइन अलोएज. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलेटाइल ऑयल ऑफ कोरिएंडर कंटेन्स अबाउट 90% ऑफ. तो कोरिएंडर में 90% अमाउंट में कौन सा वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है? तो इसमें डी लिनालूल जो है वो ऑब्टेन होता है. लिनालूल कोरिएंडर में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन गैम्बियर फ्लोरोसेंस टेस्ट डैश कलर फ्लोरोसेंस इज ऑब्जर्व्ड इन पेट्रोलियम लाइट पेट्रोलियम ईथर लेयर. तो गैम्बियर फ्लोरोसेंस टेस्ट में किस टाइप की फ्लोरोसेंस हमें देखने को मिलती है? तो इसमें ग्रीन कलर की फ्लोरोसेंस जो है वो ऑब्जर्व होती है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्सम ऑफ तोलू इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्रंक ऑफ ट्री बिलोंगिंग टू विच फैमिली? तो वाल्सम ऑफ टोलू किस फैमिली को बिलोंग करता है? तो ये लेगुमिनोसे फैमिली को बिलोंग करता है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लावर ऑफ एट्रोपा बेलाडोना डैश कलर्ड. तो एट्रोपा बेलाडोना के फ्लावर्स किस कलर के होते हैं? तो इसके पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं एट्रोपा बेलाडोना के. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोवोल्फिया सरपेंटेना इज कल्टिवेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? रोवोल्फिया सरपेंटेना इंडिया के किस स्टेट में कल्टिवेट किया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश में कल्टिवेट किया जाता है. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कॉफ़ी सीड कैफीन इज प्रेजेंट एज अ सॉल्ट ऑफ. तो कॉफ़ी सीड में कैफीन किस सॉल्ट में प्रेजेंट होता है? तो ये इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोजेनिक एसिड की फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, केलर किलियानी टेस्ट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ. केलर किलियानी टेस्ट किसका एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है? तो ये डिजिटैलिस यानी कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का ये केमिकल टेस्ट है एंड डिजिटैलिस एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक पेपर कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड अनराइप फ्रूट्स ऑफ. तो ब्लैक पेपर का मीन्स बोटेनिकल नेम हमें बताना है कि ड्राइड अनराइप फ्रूट्स किसके यूज़ किए जाते हैं एज अ ब्लैक पेपर. तो ये यूज़ किए जाते हैं पाइपर निग्रम के. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एर्गोटॉक्सिन कंटेन्स, तो एर्गोटॉक्सिन क्या क्या होता है, मीन्स ये एर्गेट का केमिकल कंस्टेंट है एंड इसमें भी डिफरेंट केमिकल कंस्टेंट होते हैं। तो इसमें एर्गोक्रेप्टिन, एर्गोक्रिस्टिन, एर्गोकॉर्निन ये तीनों ही कंटेन होते हैं एर्गोटॉक्सिन में। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नक्स वोमिका सीड्स कंटेन, नक्स वोमिका सीड्स में लिग्निफाइड कवरिंग ट्राइकोम्स होते हैं, यूनिसेलर लिग्निफाइड कवरिंग ट्राइकोम्स। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसाफोटिडा इज ऑब्टेन फ्रॉम, एसाफोटिडा कौन सी कंट्री में पाया जाता है, तो एसाफोटिडा अफगानिस्तान में पाया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे इस वीडियो के टोटल 80 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं फार्माकोग्नोसी के, जो कि वेरियस डिफरेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर के जो भी हैं। तो इसके अलावा बाकी जो चार वीडियोस और आ चुकी हैं फार्माकोलॉजी की, बायोकेमिस्ट्री की, ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी फार्मेसी, कुछ वीडियोस कंबाइंड थी, कुछ जो है वो शिफ्ट में आई हैं। टोटल 5 वीडियो आई हैं, तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके देख सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।